आप भी हैं महंगाई से परेशान? क्या आपको टैक्स से मिलने वाली है छूट? सरकार के नए बजट का इंतजार कर रहे हैं आप? नमस्कार, मैं हूं आयुषी और आप देख रहे हैं जनसत्ता। देश में महंगाई की मार जारी है। हर चीज के बढ़ते दामों से जनता पहले से ही परेशान है। बाजार में पहले से ही कई चीजों के दामों ने आग लगा रखी है कि अब टमाटर के दाम भी आसमान छू रहे हैं। और इस सब के बीच अब खबर आने लगी है कि मोदी 3.0 सरकार आम आदमी के लिए टैक्स की सीमा में कुछ बड़ा बदलाव करने वाली है। बता दें कि मोदी सरकार 3.0 का गठन हो चुका है और अब सरकार मिड जुलाई में अपना बजट पेश कर सकती है, जिसके लिए तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। केंद्र में गठबंधन सरकार बनाने से अर्थशास्त्री मान रहे हैं कि आने वाला बजट लोक लुभावन होगा, यानी कि सरकार आम आदमी के लिए कुछ बड़ी घोषणाएं कर सकती है। इसकी दूसरी वजह यह भी है कि इस साल के चुनावों में बीजेपी को सिर्फ 240 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, तो हो सकता है कि जनता में फिर से अपनी पकड़ बनाने के लिए बीजेपी इस बार बजट में आम जनता के लिए कोई सौगात दे दे। मीडिया रिपोर्ट से ये जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि सरकार इनकम टैक्स की दर में कटौती कर सकती है, जिसका फायदा सीधा सीधा मिडिल क्लास और कम कमाने वाले ग्रुप पर पड़ेगा। दरअसल भारतीय अर्थव्यवस्था घटती खपत की समस्या से जूझ रही है। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार के नीति निर्माता इनकम टैक्स स्ट्रक्चर को तर्कसंगत बनाने के पक्ष में है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार सरकार फ्रीबीज यानी कि मुफ्त की रेबड़ी बांटने से बेहतर टैक्स में कटौती करने का विचार कर रही है, क्योंकि जब लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा बचेगा और लोग उसे उस पैसे को खर्च करने के लिए बाहर जाएंगे, जिससे बाजार में भी पैसे का फ्लो बढ़ जाएगा, जिससे देश में कंजम्पशन यानी कि खपत बढ़ेगी और उसके बाद फिर देश की अर्थव्यवस्था में भी रफ्तार देखी जाएगी। बता दें कि मौजूदा समय में देश में ओल्ड और न्यू दो टैक्स रिजीम है। न्यू टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स का पहला 5% पर स्लैब 3 लाख से ऊपर की इनकम वालों के लिए शुरू होता है। इनकम 15 लाख से ऊपर जाने पर यानी कि इनकम जब 5 गुना हो जाती है तो टैक्स की दर जो है वो 6 गुना होकर 30% हो जाती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इनकम 5 गुनी होने पर टैक्स 6 गुना ज्यादा हो जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा है। ओल्ड टैक्स रिजीम की बात करें तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख है और 2.5 लाख से ऊपर आपकी कमाई होती है तो फिर आपको इस पर टैक्स चुकाना पड़ता है और 2.5 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है। जैसे कि आपकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर जाती है, टैक्स का गणित शुरू हो जाता है। जैसे कि अगर 2.5 लाख से 5 लाख तक की इनकम पर 5% का टैक्स है, 5 से 10 लाख की इनकम पर 20% का टैक्स और 10 से ऊपर वालों के लिए 30% का टैक्स है। कई इकोनॉमिस्ट का मानना है कि पुराने टैक्स रिजीम में बदलाव की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन नए टैक्स रिजीम को आकर्षक बनाने के लिए टैक्स स्लैब की संख्या घटाई जा सकती है। उदाहरण के लिए अभी 15 लाख से ऊपर की आमदनी पर 30% का टैक्स देना होता है। इस क्राइटेरिया को बढ़ाकर 15 से 20 लाख किए जाने की संभावना है, क्योंकि कमाई 3 लाख से 15 लाख होने यानी 5 गुना बढ़ने पर टैक्स सीधे सीधे 6 गुना यानी कि 30% हो जाता है, जो इस समय आम जनता के लिए बहुत ही ज्यादा है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का बजट मोदी 3.0 सरकार का पहला पूर्ण बजट होगा। इसमें सरकार के आर्थिक एजेंडे की झलक देखने को मिलेगी। देखा जाए तो सरकार ने बजट 2023 में भी न्यू टैक्स रिजीम में कई सारे बड़े बदलाव किए थे, जैसे कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को 2.5 से बढ़ाकर 3 लाख कर दिया गया था। सैलरी क्लास के लिए 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन इंट्रोड्यूस किया गया था। रिबेट को भी बढ़ाया गया था, जिसमें देखा गया था कि 7 लाख के इनकम को सीधा सीधा टैक्स फ्री कर दिया गया था। सरकार चाहती है ज्यादा से ज्यादा संख्या में न्यू टैक्स रिजीम को चुने, इसलिए और अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम देख रहे हैं कि लगातार सरकार की ओर से कदम उठाए जा रहे हैं। कम इनकम वाले लोगों को इनकम टैक्स के मोर्चे पर अब कितनी रियायत मिलेगी, ये तो फुल बजट में ही क्लियर होगा, लेकिन सरकार का मन यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि न्यू टैक्स रिजीम को अट्रैक्टिव बनाया जाए, जिससे लोगों की जेब में ज्यादा से ज्यादा पैसा हो और ये पैसा बाजार में सर्कुलेट हो सके। इनकम टैक्स के ऊपर कैसा लगा आपको ये हमारा वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही साथ आप हमें ये भी बताएं कि आपकी सरकार के नए बजट से क्या उम्मीद है। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहें जनसत्ता।